हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेआईबी जून 2022 का एग्जाम 15 डे चैलेंज प्रोग्राम है हमारा, कि 15 दिन काफ़ी समय है जिसमें आप एग्जाम को 100% पास कर जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे कि फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हम जेआईबी का जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। ठीक है, तीन नहीं बल्कि चार भाग में बांटिए। एक तो हो जाता है जो मैक मिलन बुक की से पूछेंगे आपको, ठीक है, और दूसरा हो गया आउटसाइड बुक से आपसे पूछ लेंगे कुछ, ठीक है, तीसरा हो गया आपका अगर अकाउंटिंग है तो उस केस में वहाँ पे न्यूमेरिकल आता है, और अगर आप लीगल देंगे तो वहाँ पे सिचुएशनल एनालिसिस आता है। ठीक है, ये दोनों 20% के मार्क्स हैं, पूछेंगे आपसे एग्जाम में, जबकि आउटसाइड बुक से आपको यहाँ पे ये समझ के रखिए, सॉरी, यहाँ पे आपको 80% क्वेश्चंस यहाँ से आएगा, और पीपीपी भी यहाँ पे जो आप बात करेंगे प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में, यहाँ तो भाई थ्योरी से ही 100% नंबर आएगा इतना से। ठीक है, हम जब देखेंगे आउटसाइड बुक का क्वेश्चन अगर आप लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 50% तो मैकलेन बुक से ही रहेगा और यहाँ 30% आउटसाइड रहेगा। अगर आप इसी को यहाँ पर इशू करेंगे तो 60% हो जाएगा और 40% हो जाएगा पीपीपी केस में। सर, बहुत बार ऐसा लगेगा क्वेश्चन तो पढ़ के गए आता ही नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो एग्जाम में जो हमने बुक में है ही नहीं, तो ये सारा चीज़ इसलिए एक आउटसाइड बुक से क्वेश्चन आता है। अब सवाल उठता है, हम बात कर रहे हैं 15 दिन में कैसे होगा क्या होगा। हम लोग जो भी कराएंगे आपको मैथ में बुक तो कराएंगे ही कराएंगे, आउटसाइड बुक भी कराएंगे, अकाउंटिंग की न्यूमेरिकल भी कराएंगे, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस भी कराएंगे। क्लियर हो गया बात, सारा चीज़ कराएंगे। और पर पेपर मैं बोल रहा हूँ, हर पेपर को कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा नहीं, 1 डे काफ़ी है। कितना, 1 दिन का समय आपके लिए पर्याप्त है, मोर देन एनफ 1 दिन का समय। ठीक है, यहाँ पे 16 घंटा का हम लोग वीडियोज रहेगा, 16 आवर्स का क्या रहेगा, वीडियोज रहेगा, 16 घंटा का वीडियोज आप पढ़ लेंगे, आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं एग्जाम से 1 दिन पहले भी ज्वाइन करते हैं, वो भी पास कर जाते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज तो समझ में आ गया कि आपको पर पेपर कंप्लीट करना है, डे वन 1 दिन में आपको 16 घंटे का समय देना है, 16 घंटा निकालें, 1 दिन में कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चाहे तीनों में से कोई पेपर आप कर रहे हो। क्लियर हो ये बात, ठीक है, समझने बात अच्छे से। अब हम आएंगे स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा बनाया हुआ ये एग्जाम के लिए कि भाई कोई आदमी 1 दिन पहले आया तो वो भी क्या करे, उसको भी पास होना है, वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं वर्जन इसमें स्ट्रेटजी के ऊपर, हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटजी है वो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, तो पहला हो गया आप वीडियो कोर्स पूरा करेंगे। ठीक है, वीडियो कोर्स पूरा करना और आपका लक्ष्य होना चाहिए, कम से कम गोल लेंगे 60% का। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अब आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में हम 3 स्प्रेड बनाएंगे, 3 लेयर है इसमें बेसिकली। ठीक है, पहला हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट आप लिखो, इस केस में 2 से 3 ही मॉक टेस्ट दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना सर, मॉक टेस्ट आपको 2-2 घंटे का, अननेसेसरी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हमें तो ये जानना है कि हमारे नंबर आ रहे नहीं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और जो मॉक टेस्ट का हमारा क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हमने हाई रखा हुआ है। ठीक है, नेचुरल सी बात है, उसका लेवल हमने हाई रखा हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ा डिफिकल्ट। अगर आप हमारे पेपर में 50% ला रहे हो तो रियल पेपर में तब आराम से 75% नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपने पहला काम कर लिया वीडियो कोर्स, उसके बाद आपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो पहले अटेम्प्ट में ये देखा गया है 45% से 50% लोग जो होते हैं वो पास कर जाते हैं। ठीक है, उतने लोग पास कर जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर बाकी के बच्चे तो फेल कर गए। ठीक है, अब उनके लिए क्या काम है, आप वापस से रिपीट करोगे, जैसे कोई क्लास में फेल हो जाता क्या होता है, 1 साल फिर से पढ़ता है, सेम आप यहाँ पे रिपीट करोगे, और रिपीट में सर पूरा वीडियो कोर्स को सुनना है, वॉच करना है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब काम नहीं करिएगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, तो बाद में मत बोलिएगा कि रिजल्ट नहीं आया, मैं सर आपको वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल होता है, फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल मत करिएगा, आता है करके आता है आगे बढ़ा दो, नहीं पूरा सुनना है वीडियो को, वॉच करना है। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में जब देंगे अब यही रेशियो बढ़ जाएगा आपका, रेशियो बढ़ के अब हो जाएगा यहाँ पे जो पासिंग रेशियो में बोलूंगा आपको बढ़ के, यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें भी आपको 2 से 3 ही मॉक टेस्ट देना है, यहाँ भी इससे ज्यादा नहीं देंगे आप। अब यहाँ पे पास करने वाले लोग की संख्या बढ़ के 80% से 90% के बीच में जूम कर जाएगा।
ठीक है सेकंड अटेम्प्ट में, बट फिर भी लोग हैं जिनको 20% से 10% से 20% ऐसे लोग जो नहीं कर पा रहे, भाई एक बार और करना होगा रिपीट आपको, ठीक है। और फिर देंगे, अब जब थर्ड अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, आप फिर से 2 से 3 कोई मॉक टेस्ट दे दीजिए जो अच्छा लगे आपको। अब यहां नंबर बहुत ज्यादा आ जाएगा, यहां पे ही बढ़ के 95% से लेके 98% लोग पास करने लगेंगे बाप, ठीक है, समझ रहे बात। ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं, ऐसा क्यों हो गया कि ऐसा सडनली ऐसा नंबर हो गया, ऐसा इसलिए हुआ वीडियो आपने एक ही बार सुना था तो दिमाग में बैठी नहीं थी बात, तो इसलिए जितना भी बैठा तो उसे 45 से 50% लोग पास कर गए। फिर दोबारा वीडियो देखा तो दिमाग के अंदर और ज्यादा डीपली बैठ गई बात, सेकंड अटेम्प्ट में इतना आ गया, ठीक है। फिर एक बार और आपने बैठ देख लिया, थर्ड अटेम्प्ट में पूरा एकदम नहीं बोलते कंठस्थ पूरा दिमाग के अंदर बैठ गई बात, 95 से 98% आ गया, ये पास करोगे आप, ये स्ट्रेटेजी काम करता है, बिल्कुल काम करता है। और ये स्ट्रेटेजी इतना इफेक्टिव है ये कि कोई बच्चा नहीं बचता है जो कि फेल होगा, सारे बच्चे पास कर जाते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इंप्लीमेंट नहीं करिएगा तो आपकी गलती है, कोई दिक्कत आएगा तो फोन करिएगा, ठीक है, सारी सुविधा है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3। अब आपको स्टेप नंबर 3 भी थोड़ा कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक हमने रखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन बैंक कितना है भाई, क्वेश्चन बैंक है 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसमें 3 भाग में 6,000 सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसलिए कई क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि क्या पूछ रहा है क्या, क्योंकि कुछ होता ना सिलेबस चेंज भी होता रहता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का नाम ही समझ रहे हैं कि उस जमाने में वो सिलेबस में था, बट हमारा काम है क्वेश्चन देना, इसलिए क्वेश्चन क्रिएट करके डाला हुआ है। 6,000 सेट का जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सपेक्टेड, इसका नाम है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। और 1500 का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन होगा आपके पास, मॉक टेस्ट अलग है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, ये नहीं करिएगा 1 से 3 में कुछ जाएगा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हमने मॉक टेस्ट में डाला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आपको स्टेप 1 करना, फिर स्टेप 2 करना, फिर स्टेप 3 करना, सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इसको तो लास्ट में ही करना है, इसको याद रखिएगा, लास्ट में करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम 35% क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आए हुए थे, ठीक है, डायरेक्ट, मैं वो इनडायरेक्ट नहीं बोल रहा, डायरेक्ट बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं पिक करके डाल दिया, बट ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन बैंक रट के चले जाओगे पास कर जाओगे, कभी नहीं होता। इसलिए वीडियो कोर्स करो, कंसेप्ट बनाओ, मॉक टेस्ट दो, अभी आइडिया लगेगा, और फिर क्वेश्चन बैंक करना, ठीक है। इतना आप कर रहे हैं बहुत है आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये सारी कोर्सेज कैसे मिलेंगे आपको। सारी कोर्सेज जो है ऑनलाइन मोड पे है, तो यहां आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा वेबसाइट का, और वहां से आप एक्सेस कर पाओगे पोर्टल का, यानी वेबसाइट का आपको मिल जाएगा, और वहां से क्या कर पाएंगे आप, एक्सेस कर पाएंगे इसको। क्लियर हो गया बात, कोर्स को 1 डे में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वीडियो हमने इसलिए पहले से रिकॉर्ड कर दिया है, तो आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आप कभी भी इसको वॉच कर सकते हो, वॉच एनी टाइम, जब मिला समय अपना देख लिया, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया, अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर, हम आपको क्या क्या देंगे। तो हो गया कोर्स कंटेंट, सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियो, तीसरा हो जाएगा लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपको नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। पांचवा हो जाएगा 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में। छठा हो जाएगा 30 मॉक टेस्ट होंगे आपके अकाउंट में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज पे, कैसा कोर्सेज रहता हमारे यहाँ।
इसमें दो तरह का प्रोग्राम है, एक का नाम है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, ठीक है, और दूसरे का नाम है 6 मंथ की वैलिडिटी वाला कोर्स है। जो अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। यहाँ हो गया JIB, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल का पेपर करेंगे तो इसका दाम है यहाँ 800 रुपये और यहाँ दाम हो गया 1200 रुपये। लीगल का करेंगे इसका दाम है 800 रुपये और इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप अकाउंटिंग का करते हैं तो इसका दाम है 1000 रुपये और यहाँ पे हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। कॉम्बो पैक करते हैं तो कॉम्बो पैक का मतलब है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, तीनों मिला के करेंगे तो इसका दाम है 2000 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये, ठीक है। चॉइस आपके ऊपर है। फिर भी ऐसा कुछ लगता है जो मैंने कवर नहीं किया है इस चीज में तो संबंध के लिए आप फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर हो जाएगा 9508536524, ठीक है। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर, वेबसाइट हो जाएगा www.jaiibcaiibmadeeasy.com, ठीक है। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।